गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे इज़ आवर सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर एंड दिस इज़ आवर कंप्यूटर बुक प्लग इन स्टैंडर्ड फर्स्ट. टुडे वी विल लर्न चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर ए मशीन. हाय चिल्ड्रन, आई एम चिंटू एन एलिफेंट. वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू माय फ्रेंड गिलबर्ट who is genius with machine called computer. Who told? Elephant. Now see. Hello friends, I am Gilbert. Let's have fun learning about machine. Okay? So students, computer is a machine. Do you know what are machine? क्या कहता है वो? कंप्यूटर इज ए मशीन. कंप्यूटर एक मशीन है. आप जानते हो मशीन क्या होती है? व्हाट आर मशीन? सो व्हाट आर मशीन? तो मशीन क्या होती है? मशीन आर थिंग्स मेड बाय अस. मशीन क्या होती है? एक चीज़ होती है जिसे किस कौन बनाता है? हम. हम मीन्स ह्यूमन. मशीन हेल्प टू मेक अवर वर्क ईजी. मशीन क्या होती है? हमें हेल्प करती है हमारे वर्क को, हमारे काम को इजी करने में, आसान करने में. मशीन कंप्लीट अवर वर्क फास्टर. मशीन क्या करती है? हमारा काम बहुत जल्द ख़त्म कर देती है. हमारा काम को जल्दी से जल्दी करती है. दे सेव अवर टाइम. और क्या करती है वो? हमारा टाइम बचाती है. हमारे काम को जल्दी से ख़त्म करके हमारा टाइम बचाती है. तो बच्चों, मशीन क्या है? मशीन एक थिंग है जिसे हू मेड मशीन? यस, मशीन किसने बनाई है? मैन ने बनाई है, यानी इंसान ने बनाई है. सो गिलबर्ट, इफ मशीन आर मैन मेड देन व्हाट आर नेचुरल थिंग्स? तो क्या पूछते हैं वो गिलबर्ट से? एलिफेंट अपने फ्रेंड गिलबर्ट से क्या पूछता है? मशीन मैन मेड है तो नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? तो बच्चों, नेचुरल थिंग्स आपको पता है कौन से हैं? नेचुरल थिंग्स, यस, थिंग्स दैट आर मेड बाय, थिंग्स दैट आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. थिंग्स जो चीज़ें इंसान नहीं बना सकता, जिसे अल्लाह ने बनाया है ना, जिसे गॉड ने बनाया है, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. जो चीज़ों को मैन यानी इंसान नहीं बना सकता, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. ओके, नाउ सी पेज नंबर 6. चिंटू, हेयर आर सम पिक्चर्स ऑफ नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. क्या कहता है वो? यहाँ पे सम पिक्चर बताई है जो मैन मेड और नेचुरल दोनों भी है. मैन मेड थिंग्स मतलब जो इंसान ने बनाई है, आदमी ने बनाई है वो चीज़. थिंग्स दैट आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. जो चीज़ें इंसान के ज़रिए, आदमी के ज़रिए बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? मैन मेड थिंग्स. दिस आर मैन मेड थिंग्स विच यू फाइंड अराउंड यू. जो तुम अपने आसपास देखते हो. तो कौन सी चीज़ें तुम अपने आप देखते हो? एज अ मशीन जो इंसान ने बनाई है. मैन मेड थिंग्स आर एरोप्लेन, टेलीफोन, फ्रिज, आयरन, कैलकुलेटर, बाइक, कार एंड बस एक्सेट्रा. ऐसी बहुत सी और भी चीज़ें हैं जो मैन मेड थिंग है. इसमें एक कंप्यूटर भी है. ओके, नाउ नेचुरल थिंग्स. अब नेचुरल थिंग्स क्या होती है? दीज आर नेचुरल थिंग्स. दीज आर नॉट मैन मेड बाय मैन. तो जो नेचुरल थिंग्स किसे कहते हैं? जो आदमी के ज़रिए नहीं बनाई जाती, जो मैन नहीं बनाता है, उसे बना सकता, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल थिंग्स. तो बच्चों, नेचुरल थिंग्स अब कौन सी है? सी बटरफ्लाई. बटरफ्लाई को हम बना सकते हैं? नो, हम सिर्फ उसकी पिक्चर बना सकते हैं, लेकिन उसे हम जिंदा नहीं कर सकते. सो बटरफ्लाई, फ्रूट्स,
माउंटेन, बर्ड्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स, अर्थ, फिश, सन, दीज ऑल आर नेचुरल थिंग्स दैट दिस मैन कैन नॉट मेड. ओके, गिलबर्ट गिलबर्ट, why man need machine and how do machine work? फिर से एलिफेंट क्या पूछता है इसको गिलबर्ट से कि why man need machine, आदमी को मशीन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और वो मशीन वर्क कैसे करती है. चिंटू, आई ऑलरेडी टोल्ड यू मशीन मेक अवर वर्क इजियर एंड सेव अवर टाइम. वो क्या कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मशीन क्या करती है, हमारे काम को इजी करती है और काम इजी होने की वजह से हमारा टाइम भी क्या होता है, सेव होता है. लेट्स नो हाउ दे वर्क, तो बोलता है कि चलो देखते हैं कि मशीन कैसे वर्क करती है. नाउ पेज नंबर 8. हाउ डू मशीन वर्क, मशीन किस तरह से वर्क करती है. सम मशीन वर्क ऑन फ्यूल लाइक कार, बस, बाइक, एरोप्लेन. फ्यूल पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डीजल, उसे फ्यूल कहते हैं. तो सम मशीन्स जैसे एरोप्लेन, कार, बाइक वगैरह किस पे वर्क करती है, किस पेट्रोल और डीजल की वजह से, फ्यूल की वजह से. सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी लाइक टीवी, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, आयरन एंड कंप्यूटर. और कुछ मशीन्स हैं जो किस पे वर्क करती हैं, किसकी मदद से, यस इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की मदद से वर्क करती है. कौन सी मशीन्स, तो टीवी, फैन, फ्रिज, आयरन एक्सेट्रा. सम मशीन्स वर्क ऑन ह्यूमन पावर लाइक बाइसिकल, सीजर, रिक्शा. कुछ मशीन क्या होती है, ह्यूमन पावर से भी वर्क करती है, जैसे साइकिल. साइकिल है ना, साइकिल पे पैंडल मारते हो तो साइकिल चलती है. सीजर को यूज़ करने के लिए हमारी हैंड की ज़रूरत पड़ती है. रिक्शा को यूज़ करने के लिए भी हमको पैंडल मारना पड़ते हैं, पावर बतानी पड़ती है. ओके स्टूडेंट्स, सो मैन मेड थिंग्स की जो भी एग्जांपल्स है उसकी और नेचुरल थिंग्स के जो भी एग्जांपल है उसके नेम्स जो बताए गए यहाँ पे, फ्रूट, माउंटेन और एरोप्लेन वगैरह, इस सबको फाइव टाइम आपको नोटबुक में लिखना है. ओके okay?